खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आज तेंदुआ की दस्तक ने एक बार फिर लोगों की नींद उड़ाकर रख दिया। पिछले कई दिनों से जिले के अलग अलग क्षेत्रों में तेंदुआ देखा गया, जिसे वन विभाग की टीम लगातार नकारती रही। वहीं अलग अलग जगहों पर तेंदुआ दिखने से ग्रामीण लगातार परेशान भी रहे। आज फिर जैसे ही एक बार तेंदुआ निकलने की बात सामने आई, वैसे ही प्रशासन सक्रिय हो गया। वहीं हजारों ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर जुट गई, जिन्हें हटाने में पुलिस प्रशासन को काफ़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं एहतियात के तौर पर वन विभाग ने तेंदुआ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। जानकारी देते हुए पीएनसी पेट्रोलिंग अधिकारी जितेंद्र यादव ने बताया है कि पेट्रोलिंग के दौरान हमें तेंदुआ दिखाई दिया। उन्होंने इसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को दिया। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पॉइंट संख्या 229-850 पर लगे सैफान में तेंदुआ घुसा हुआ है। एक तरफ से पिंजरा लगाया गया है तो दूसरी तरफ से जेसीबी से मिट्टी खुदवाकर होल को बंद करा दिया गया है, ताकि तेंदुआ जब पिंजरे की तरफ निकले तो पिंजरे में कैद हो जाए। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि तेंदुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चल रहा था, तभी किसी गाड़ी से उसकी टक्कर हुई और वो नीचे गिर गया। फिलहाल तेंदुआ घायल बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि तेंदुआ ने दो कुत्तों का शिकार भी किया है और वो आराम से साइफान में बैठा है। वहीं जब हमने आजमगढ़ जिले के DFO से इस संदर्भ में बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि हमने अपने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दे दिया है। जैसे निर्देश हमें प्राप्त होंगे उसी तरीके से इस रेस्क्यू को अंजाम दिया जाएगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि कई दिनों से तेंदुआ को लेकर ग्रामीण परेशान है, लेकिन वन विभाग की तरफ से उचित कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, इस पर उन्होंने कहा कि हमें अभी भी तेंदुआ के होने पर संशय है। जब तक वो पकड़ नहीं लिया जाता तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। नमस्कार, इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ ज़िले में अक्सर तेंदुए निकलने की खबरें सामने आती रही हैं। और यहाँ पे देखिए, पीछे एक बार फिर खबर आई है कि तेंदुआ इसी साइफान में छिपा हुआ है कि सुंदासपुर के आसपास, और उसको पकड़ने के लिए पिंजरा वगैरह लगाया जा रहा है। वन विभाग के DFO साहब हैं और इनसे हम लोग थोड़ा समझते हैं कि सर किस तरह के यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं तेंदुए को पकड़ने के लिए। तेंदुआ इसी ह्यूम पाइप में बताया जा रहा है कि है, तो हम लोग उसके लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि परमिशन लेकर के पकड़ने की जरूरत होगी पकड़ेंगे। दूसरी तरफ से क्या तेंदुए को देखने का प्रयास किया गया, क्योंकि इस तरफ से दिख नहीं रहा है? क्लियर नहीं है, अभी दिखा नहीं है किसी को। अंधेरा है ना, अंदर अंधेरा है, इसलिए कुछ दिखा नहीं। तो किस तरह की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है सर, क्या कोई स्पेशल टीम वगैरह बुलाई जा रही है? अब इसके लिए हम अपने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से महोदय से परमिशन ले रहे हैं और उनके निर्देशन में जो भी कार्रवाई हम करेंगे। इसके पहले भी सर, जब उस दूसरी तरफ तेंदुआ निकला था ताबरपुर की तरफ, तब भी ये बात सामने आई तो वन विभाग ने कहा था कि हम बाहर से स्पेशल टीम बुला रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। उस समय तक कोई पक्का नहीं मालूम हुआ था ना कहाँ पे है तेंदुआ, कोई लोकेशन उसका नहीं मालूम था। ठीक है, हम लोग लगातार जैसे आप लोग बता रहे हैं, लोग अफवाहें उड़ा रहे थे तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, अपना सुपरविजन कर रहे थे, कहीं पे भी अगर कुछ हो तो करेंगे, लेकिन कुछ पक्का मिला नहीं था। अपना अभी आप संतुष्ट हैं कि तेंदुआ है? अब मैं शाम को बताऊंगा। अभी भी आपको संशय है? शाम को बताऊंगा, देख के बताऊंगा, संशय तो नहीं है, शाम को बताऊंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हैं आजमगढ़ के DFO साहब, जिन्होंने हमें जानकारी दी है। और मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, पूरी तरह से प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है। तेंदुए की यहाँ पे लोकेशन ट्रेस हुई है और ये जो साइफान दिख रहा है जहाँ पे पिंजरा लगाया गया है, दूसरी तरफ से लोग बता रहे हैं कि तेंदुआ दिखाई दे रहा है, तेंदुआ दिखाई दे रहा है और इस तरफ पिंजरा लगा करके उस तरफ से शायद कुछ धुआं करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि DFO साहब ने बताया है कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ के जो सीनियर हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उनसे हम लोग संपर्क करेंगे और संपर्क करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस तेंदुए को पकड़ा जाए। वहाँ से जो भी दिशा निर्देश होंगे या जो भी टीम वगैरह भेजी जाएगी उसकी जो भी अपडेट होगी वो बता रहे हैं कि हम 2 घंटे या फिर शाम तक बता पाएंगे। बहरहाल हम यहाँ पे मौजूद हैं मौके पे और यहाँ की जो भी अपडेट होगी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।